मोटोरोला की जी सीरीज में एक नया फोन ऐड हो चुका है। कुछ टाइम पहले मोटोरोला G34 आया था जिसने मार्केट में तबाही मचाई थी, उसके बाद अब इन्होंने लॉन्च किया है G45 और इसका टेस्ट ना देखो काफी हद तक मोटो G34 जैसा ही है। ये वीडियो मैं थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ ताकि मैं इस फोन के बारे में अच्छे से डिटेल्स दे सकूँ। हर बार की तरह ये भी एक अनस्पॉन्सर्ड वीडियो है। जी हाँ, हमने ब्रांड से कोई पैसे नहीं लिए इस वीडियो के लिए और ऐसी ही वीडियोस हम फ्यूचर में बनाते रहें, इसके लिए चैनल को सपोर्ट करते रहना। वेल, ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मोटोरोला G45 आपके लिए बना है या नहीं। साथ में मैं इसके प्रोज एंड कॉन्स भी डेफिनेटली कवर करूंगा, जिसके लिए तुम मुझे थैंक्स बोल सकते हो। वेल, आफ्टर वॉचिंग द वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस फोन सो कमेंट बॉक्स नीचे है। चलो बात करते हैं। डिजाइन देखो इस फोन का काफी हद तक मोटोरोला G34 जैसा ही है। लेदर एंड प्लास्टिक बैग दोनों में ये फोन अवेलेबल है। तीन कलर्स में ये फोन अवेलेबल है, मेरे पास फिलहाल ये कलर है। वेट इज अराउंड 183 ग्राम, 8 मिलीमीटर थिकनेस, IP52 की रेटिंग दी है। और देखो सीरियसली बताऊं, IP52 कई लोग बोल रहे हैं कि यार काफी अच्छी रेटिंग है इस बजट में IP52, लेकिन ऐसा नहीं है। IP52 रेटिंग में यार क्या ही कर लोगे, थोड़ा बहुत पानी लगना भी रिस्की है। IP54 भी अगर होती तो मैं कहता कि चलो ठीक है, बट IP52 इज नॉट गुड। सो पानी से तो क्या, पानी के छींटों से भी खिलवाड़ मत करना आफ्टर बाइंग दिस फोन। डिस्प्ले की बात करते हैं, यहाँ पर देखो IPS LCD डिस्प्ले इन्होंने दी है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है जो कि काफी अच्छी बात है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो वही नॉर्मल सा दिया हुआ है, चिन ज्यादा है, बेजल्स भी थोड़ी सी ज्यादा ही लगी, पर चलो बजट वाइज ठीक है। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है, बट सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस फोन की जो लगी दैट इज HD डिस्प्ले। जी हाँ, फुल HD डिस्प्ले नहीं है। मोटोरोला G34 में भी इन्होंने सेम डिस्प्ले दी थी, यहाँ पर भी वही सेम डिस्प्ले चिपका दी। तो यहाँ पर यार थोड़ा सा अगर अपग्रेड कर देते, फुल HD डिस्प्ले दे देते तो भाई साहब गरीबों की दुआ लगती। और देखो यहाँ पर ना इन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्या लिखा है, ये आर्टिकल अगर हम देखें यहाँ लिखा हुआ है फुल HD डिस्प्ले, मतलब कुछ भी। देखो कलर्स वगैरह यहाँ पर काफी ठीक है, बाकी देखो HD और फुल HD का जो डिफरेंस होता है वो तो डेफिनेटली रहेगा। एंड्रॉइड 14 पर ये फोन आया है, एंड्रॉइड 15 का अपडेट मिल जाएगा और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का इन्होंने प्रॉमिस किया है। सो ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। प्रोसेसर सो यहाँ पर देखो स्नैपड्रैगन का 6S Gen 3 प्रोसेसर यूज किया है। अब देखो स्नैपड्रैगन की जो 695 चिपसेट है उसी को यहाँ पर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अपग्रेड किया है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। स्नैपड्रैगन 695 दी गई थी मोटोरोला G34 में। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ मोटोरोला G34 के साथ इसका एक कंपैरिजन करने की, क्योंकि दोनों फोन सेम प्राइस में आ रहे हैं। किस किस को कंपैरिजन चाहिए कमेंट में जरूर बताना। ज्यादा कमेंट्स हुई तो इस विषय पर भी विचार करेंगे बालक। देखो अंतुतु स्कोर्स आपके सामने हैं और ये ना काफी एक डिसेंट अंतुतु स्कोर्स हैं। आज की डेट में जितने भी फोन्स इस रेंज में आ रहे हैं सब में लगभग यही अंतुतु स्कोर मिल रहा है। जी हाँ, मैक्सिमम फोन्स में 4 से 4.5 लाख के बीच में अंतुतु स्कोर्स आ रहे हैं, फिर चाहे चिपसेट मीडियाटेक की हो या फिर स्नैपड्रैगन की। ओवरऑल नॉर्मल यूसेज के हिसाब से ठीक है। गेमिंग की अगर बात करें 40 FPS पर गेमिंग कर सकते हो, HD हाई पर ये चला जाता है, इसके अलावा स्मूथ अल्ट्रा तक चला जाता है। गेमिंग यहाँ पर काफी सही कर सकते हो एंड हीटिंग इश्यूज भी मुझे नहीं मिले, तो ये एक प्लस पॉइंट है। नॉर्मल हीटिंग तो होगी, बाकी ओवर हीटिंग के इश्यूज नहीं है। कैमरास की अगर बात करें, डुअल कैमरा सेटअप है, 50 MP का वाइड लेंस दिया है 2 MP मैक्रो के साथ। अब देखो कैमरा क्वालिटी आपके सामने है, कलर्स वगैरह काफी ठीक ठाक से ले रहा है, हालांकि थोड़ी सी येलो स्टोन मुझे थोड़ी ज्यादा लग रही है, ये थोड़ी सी कम हो सकती थी, बाकी ओवरऑल कलर्स डिटेल्स सही है। वीडियो जब हमने देखी तो वीडियो के अंदर थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन मिसिंग था, जो कि इस बजट में होता ही है। 1080p 30 FPS पर वीडियोज शूट कर सकते हो एंड सेल्फी कैमरा भी इसका मुझे ठीक ठाक लगा, आधार कार्ड से अच्छी फोटोज आ जाएगी। इसके अलावा देखो 2 स्पीकर्स हैं, तो ये भी एक अच्छी चीज है, क्वालिटी भी ठीक है। 3.5 mm का जैक भी दिया हुआ है, ईयरफोन लगा के मस्त गाने सुनो, काम धंधा तो है नहीं। पर ब्लूटूथ वर्जन यहाँ पर देखो ब्लूटूथ 5.1 दिया है ओनली, 2 या 3 एटलीस्ट होना चाहिए था। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है जो कि अच्छे से काम कर रहा है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी है विद 80W फास्ट चार्जिंग। देखो सपोर्ट ये 18W चार्जिंग करता है, लेकिन बॉक्स में 20W का चार्जर दिया जाएगा। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट सा बैटरी बैकअप निकाल रहा है, 1 से 1.5 दिन आराम से निकाल लोगे, डिपेंड करता है आपकी यूसेज पर। अराउंड 6 आवर्स इसका स्क्रीन ऑन टाइम निकल रहा है, अगेन मैं कहूंगा ये डिपेंड करेगा यूसेज पर। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। यहाँ पर देखो मोटोरोला जब भी कोई 5G फोन लॉन्च करता है, चाहे 10,000 के करीब हो या 30,000-20,000 में, इन लोगों की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि ये लोग ना 5G बैंड्स ज्यादा देते हैं। अभी ना देखो 30,000 के भी कुछ ऐसे फोन्स हैं जो 5G बैंड्स देने में कंजूसी करते हैं, बट यहाँ पर देखो 10,000 में भी 13 5G बैंड्स दिए हैं। वो अलग बात है कि तुमने BSNL में पोर्ट करवा लिया हो, पर 5G कनेक्टिविटी में यहाँ पर कोई इशू नहीं है, आराम से 5G के मजे ले सकते हो। VoNR का सपोर्ट है, कैरियर एग्रीगेशन भी ये सपोर्ट करता है, ओवरऑल कनेक्टिविटी इज गुड। और हाँ देखो एक चीज मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि इस फोन में HDR का सपोर्ट नहीं मिलता, फुल HD डिस्प्ले भी नहीं है, क्या करोगे HDR का। YouTube पर भी सिर्फ 1080p 60 FPS तक वीडियोस देख सकते हो।
प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो देखो डिसेंट सा परफॉर्मेंस मिलेगा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस में डेफिनेटली इसे नहीं कहूंगा, बट ठीक है। अच्छी चीज ये है कि थ्रोटलिंग नहीं मिली। इसके अलावा कैमरे के ऊपर भी थोड़ा काम किया गया है एंड गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी एक अच्छी चीज है, फोन को ड्यूरेबल बनाती है। इफ यू लाइक इट देन बाय इट। एंड लास्टली मैं कहूंगा कनेक्टिविटी में भी कोई इश्यूज नहीं है, 5G बैंड से ज्यादा है और हाँ स्पीकर्स भी अच्छे हैं। कौन की अगर बात करें तो देखो यहाँ पर फुल HD डिस्प्ले हो सकती थी। अगर भाई फुल HD डिस्प्ले होती ये एक परफेक्ट फोन होता अंडर 10,000 या 11,000 रुपीस। तो सबसे बड़ा कौन मुझे इस फोन का यही लगा है। हालांकि देखो इस बजट में और भी कई फोन से हैं जो कि HD डिस्प्ले ही दे रहे हैं, तो थोड़ा सा हम उस तरफ से देखकर भी खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन यार देखो इन्होंने मोटो G34 अभी 6 महीने पहले लॉन्च किया था और अब G45 में कोई ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं किया गया। इसी बजट में अगर हम देखें पोको का M6 Pro है जो कि फुल HD डिस्प्ले दे रहा है, जो कि ज्यादा डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर है। इसके अलावा देखो इसका अगर बेस वेरिएंट लेते हो 4128 उसमें आपको स्मार्ट कनेक्ट नहीं दिया जाएगा, स्मार्ट कनेक्ट दिया जाएगा 8GB रैम वाले वेरिएंट में। वैसे ये स्मार्ट कनेक्ट काम आता है लैपटॉप या पीसी के लिए या फिर स्मार्ट टीवी में भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा देखो लास्टली मैं एक नंबर इसका भी काटूंगा, इन्होंने फुल HD लिखा तो लिखा कैसे। वेल ये था मोटो G45। आई होप अब आप अपने लिए एक अच्छा डिसीजन ले सकते हो कि आपको ये फोन परचेज करना है या नहीं। प्रोज एंड कॉन्स मैंने सामने लिख दिए हैं और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ भाई G34 डेफिनेटली एक अच्छा फोन है और ये भी लगभग उसी के जैसा है। हालांकि इन दोनों का कंपैरिजन तो बनता है, कमेंट में जरूर बताना। और देखो इसकी प्राइस वैसे तो आपको पता होगी ही, बट फिर भी बता देता हूँ 11,000 में इसका बेस वेरिएंट लॉन्च हुआ है। 1,000 रुपए का बैंक ऑफर लगा सकते हो, पर अगर बैंक ऑफर लगाने में सक्षम नहीं हो पाते हो तब आपको 11,000 देने होंगे। एंड इस बजट में आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो, पछताना तो नहीं पड़ेगा। वेल ऐसी ही सिंपल वीडियोस हम बनाते रहते हैं और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके पैसे एक सही फोन पर लगे, क्योंकि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। फ्यूचर में भी हम ऐसी ही वीडियोस बनाते रहें, इसके लिए चैनल को सपोर्ट करते रहना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।